दिन कोई भी हो, काशी में हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई ही दे जाएंगे। लेकिन आज हर हर महादेव के नारे भक्ति में नहीं बल्कि विजय की घोष करने के लिए है। हिंदू समाज बम बम है क्योंकि उन्हें लगता है कि सदियों से ज्ञानवापी के वजू खाने में बंद बाबा आदि विश्वेश्वर की मुक्ति का रास्ता खुल गया है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई कर रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जज ए.के. विश्वेश ने फैसला सुनाया कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कोर्ट में अर्जी दी थी कि यह मामला सुनने के योग्य बिल्कुल नहीं है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की दलील क्या थी और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने 3 दलीलों के आधार पर इस मामले की सुनवाई योग्य नहीं मानने की कोर्ट से अपील की थी। इसमें पहला था 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थल से जुड़ी किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं हो सकती। एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्टेटस में कोई बदलाव संभव नहीं है। दूसरा तर्क वक्फ बोर्ड 1995 को लेकर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आजादी के पहले से वक्फ बोर्ड एक्ट में दर्ज है। तीसरा तर्क काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट 1983 का दिया गया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति से कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने इन 3 दलीलों को ही खारिज कर दिया। 7 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी। अपने फैसले में जिला जज ने साफ कहा है कि ये तीनों ही कानून किसी को भी भगवान की पूजा के अधिकार से नहीं रोक सकते हैं, भले ही वो मंदिर के दायरे में हो या फिर उससे बाहर। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। दरअसल अब यह मामला सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित रहने की बात नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी पर अधिकार को लेकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है और मुस्लिम पक्ष को इससे झटका लगा है। कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।